नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम भाटी स्वागत करता हूं आपका BRB क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले सकें। और अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, आज का जो आर्टिकल है वो है एयर इंडिया के बारे में। जो एयर इंडिया है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेल कर रही है, मतलब उसका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो आइए पहले जान लेते हैं एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया जिसका कि मार्केट में शेयर है 18.6%, 18.6% मार्केट शेयर है। इसका जो फर्स्ट हब है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका जो सेकंड हब है वो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका जो स्लोगन है वो है एयर इंडिया ट्रूली इंडियन। और इसके जो चेयरमैन है वो है प्रदीप खरोला। इसके जो फाउंडर हैं वो आप शायद आश्चर्यचकित हो जाएंगे, JRD टाटा। मीन्स आज भारत की आज़ादी के पहले ये प्राइवेट कंपनी थी जिसके फाउंडर JRD टाटा ने इनको इस्टेब्लिश किया था। आज़ादी के बाद में गवर्नमेंट ने इसमें शेयर परचेस कर लिए और गवर्नमेंट ये कंपनी बन गई। और इसमें जो एम्प्लॉय हैं वो है नवंबर 2016 तक 20,956। इसकी एक और सब्सिडरी भी है एयर इंडिया एक्सप्रेस, जिसका हेडक्वार्टर कोच्चि में है, जो कि लो कॉस्ट एयरलाइन है। मीन्स कम रेट में एयर ट्रेवल उपलब्ध कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हाई होप्स, ऊंची आशाएं। होप्स मीन्स आशाएं। द सेंटर कुड एड अ फ्यू मोर चेंजेस टू मेक एयर इंडिया टेम्पटिंग फॉर इन्वेस्टर्स। जो सेंटर है वो कुछ और चेंज कर सकती है एयर इंडिया को टेम्पटिंग। टेम्पटिंग का मीनिंग होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव करने के लिए इन्वेस्टर को कुछ और चेंज सेंटर गवर्नमेंट कर सकती है। 9 months after the union cabinet's in principle nod, 9 महीने के बाद जो यूनियन कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल वर्बली जो अप्रूवल दिया है नॉड फॉर ऑफ लोडिंग द गवर्नमेंट्स स्टेक इन एयर इंडिया। ऑफ लोडिंग मीन्स हटाना, उतारना, आप चाहे जो भी कह सकते हैं, मतलब अनलोड करना द गवर्नमेंट का जो स्टेक है एयर इंडिया में उसको। द बॉल हैज़ फाइनली बीन सेट रोलिंग टू प्राइवेटाइज द ब्लीडिंग एयरलाइन। अब जो गेंद है वो घूमती हुई कहाँ चली गई है, प्राइवेटाइज करने के लिए ब्लीडिंग एयरलाइन। जो ब्लीडिंग का यूँ मतलब होता है जिससे खून आ रहा हो, पर यहाँ मतलब है जो घाटे में चल रही एयरलाइन उसके लिए। अ प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम वॉज अनवील्ड लास्ट वीक बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। एक प्राथमिक प्रीलिमिनरी, एक मतलब कच्चा परफॉर्मा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम ज्ञापन जो था वो अनवील्ड, अनवील्ड मीन्स खोला गया लास्ट वीक जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री उसके द्वारा फॉर प्रोस्पेक्टिव बीडर्स। प्रोस्पेक्टिव मीन्स जो भविष्य के जो बीडर्स हैं, यानी भावी बीडर्स हैं जो भविष्य में उसके लिए बोली लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग द सेंटर विल डाइवेस्ट 76% ऑफ इट्स स्टेक इन एयर इंडिया। इसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, डाइवेस्ट, डाइवेस्ट का मीनिंग होता है वापस ले लेना, 76% जो इसका शेयर है एयर इंडिया में वो ले लेगी। 100% स्टेक इज बीइंग ऑफर्ड इन इट्स सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस। और 100% जो शेयर है वो ऑफर्ड करेगी जो इसकी सब्सिडरी, जो इसकी दूसरी कंपनी एयर इंडिया की, एयर इंडिया एक्सप्रेस। एक्चुअली एयर इंडिया एक्सप्रेस सस्ती फ्लाइट्स उपलब्ध कराती हैं। एंड 50% स्टेक इज ऑन ऑफर इन इट्स ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन आर्म। और 50% जो स्टेक है, जो शेयर है, वो इसकी ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन आर्म है, मतलब जो एयरपोर्ट को जो मेंटेन करती है उसमें लगाएगी। अदर सब्सिडरीज, जो दूसरी सब्सिडरीज हैं, दूसरे जो इसके पार्ट हैं एयर इंडिया के, सच एज एलायंस एयर, एलायंस एयर, होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे एयर इंडिया के पार्ट है। विच आउंस द सेंट्योर प्रॉपर्टीज इन न्यू दिल्ली श्रीनगर। देखो सेंट्योर वैसे एक मेडिकल कंपनी है। यहाँ पे सेंट्योर का दो मीनिंग, एक सेंट्योर का मीनिंग होता है ऐसा प्राणी, ऐसा एनिमल जिसके सर और हाथ जो हैं वो घोड़े की तरह हो, जबकि पैर और ये सर और हाथ आदमी की तरह हो और पैर जो हैं वो घोड़े की तरह हो। पर यहाँ सेंटर का मतलब है डबल डबल, जो डबल डबल प्रॉपर्टीज़ हैं एयर इंडिया की न्यू दिल्ली और श्रीनगर में। एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, एयर इंडिया की एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस, ये सारी जो इसकी सब्सिडरीज हैं, जिसके पार्ट हैं, आर नॉट बींग सोल्ड, वो नहीं बेचे जाएंगे। दे विल बी ट्रांसफर टू अ स्पेशल पर्पज एंटिटी। ये सारी के सारी जो दूसरी जो सब्सिडरी हैं ट्रांसफर किए जाएंगे एक स्पेशल पर्पज एंटिटी, एक ग्रुप विद रफली अ थर्ड ऑफ एयर इंडियाज 48,781 करोड़ आउटस्टैंडिंग डेप। डेप मीन्स ऋण, जो 48,781 करोड़ का जो बकाया है वो, इसके साथ साथ ये पूरी की पूरी एंटिटीज ट्रांसफर किए जाएंगे एक अलग ग्रुप को। इफेक्टिवली द गवर्नमेंट इज़ ऑफरिंग अ मेजोरिटी स्टेक इन एयर इंडियन
एयर इंडिया एक्सप्रेस विद मैनेजमेंट कंट्रोल। प्रभावी रूप से जो गवर्नमेंट है वो ऑफर कर रही है, मेजर स्टेक किस में, एयर इंडिया में कर रही है और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों में कर रही है और मैनेजमेंट कंट्रोल भी कर रही है, एज वेल एज कुमुलेटिव डेप्थ बर्डन वर्थ 33,392 करोड़। और 33,392 करोड़ का जो टोटल जो बर्डन है, जो ऋण है, जो वो भी बर्डन कर रही है। फॉर प्रोस्पेक्टिव बायर्स, जो भविष्य के जो बायर्स हैं, प्रोस्पेक्टिव जो आशावान बायर्स हैं, जो भावी बायर्स हैं, भविष्य के जो खरीदने वाले, द एट्रैक्टिवनेस ऑफ एयर इंडियाज़ इंटरनेशनल फ्लाइंग राइट्स। एट्रैक्टिवनेस क्या होगी, जो एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइंग राइट्स, इंटरनेशनल जो फ्लाइट उड़ाने के लिए, एंड स्लॉट्स वुड बी ऑफसेट बाय द, और जो अलग अलग स्लॉट हैं वुड बी ऑफसेट बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ टेकिंग ऑन सो मच डेप्ट एंड पुटिंग अ प्लान इन प्लेस टू विटल इट डाउन। इसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी टेकिंग, ये सारे के सारे फ्लाइंग राइट्स और ये स्लॉट्स लेंगे ऑफसेट। ऑफसेट का मीनिंग होता है वापस बदल लेना। ये किससे होंगे कि बदले में वो डेप्ट करेंगे, वो जो ऋण है उसको वहन करेंगे, और पुटिंग अ प्लान इन प्लेस टू विटल इट डाउन और रीफाइनेंस द लोन। विटल इट डाउन, विटल इट डाउन का मतलब क्या होता है, विटल मीन्स होता है छीलना, धीरे धीरे उतारना, मतलब धीरे धीरे कम करेंगे, और रीफाइनेंस द लोन, और जो लोन लिया हुआ एयर इंडिया को उसको धीरे धीरे कम करेंगे, उसके बदले में उनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी इसको खरीदेगा। डिटेल्स ऑफ द री अलोकेशन ऑफ दीज लाइबिलिटीज़, जो इनकी डिटेल है, जो क्या क्या एलोकेट इनको होगा, जो बायर्स हैं उनको और क्या नहीं होगा, बिटवीन एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस, एंड द लॉजिक बिहाइंड, और जो भी इसके पीछे जो लॉजिक है, विल ओनली बी शेयर्ड विद बिडर्स एट अ लेटर स्टेज व्हेन रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आर इश्यूड। मतलब पहले उन्होंने कुछ भी खुला नहीं किया, जब फाइनली बिडर मिल जाएंगे तो बाद में मीटिंग करके उनके साथ ये सारे प्रपोजल और इश्यू शेयर करेंगे। गिवन द अनसर्टेनिटीज ओवर इट्स डेप्ट बर्डन, अब अनसर्टेनिटी मीन्स अस्थिर है, मतलब कितना हो सकता है बर्डन एक्चुअली पता नहीं है। इट विल नॉट बी अ सरप्राइज, ये आश्चर्य नहीं होगा, इफ दोज बोल्ड इनफ टू मेक अ बिड फॉर एयर इंडिया फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑफर अ लुक्रेटिव बायर। मतलब जो बिड लगा रहे हैं, जो बोली लगा रहे हैं, उनके लिए डिफिकल्ट होगा कि वो एक अट्रैक्टिव बोली नहीं लें, वो ज़्यादा बोली नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अभी तक इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है कि क्या क्या बर्डन है टोटल एयर इंडिया पे, कितना कर्ज चढ़ा हुआ है, तो वो एक लुक्रेटिव आकर्षक प्राइस नहीं लगाएंगे टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए। इट इज़ वर्थ पुशिंग टू सी इफ सीरियस इन्वेस्टर्स आर एंथुस्ड। वर्थ पुशिंग, वर्थ का मीनिंग होता है लायक, और पुशिंग मतलब स्थिरता के साथ, मतलब स्थिरता के साथ ये देखना होगा कि जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं वो, उनमें उत्साह होगा बाय द गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट के डिसीजन, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है उसके द्वारा, टू रिटेन 20% 24% स्टेक इन द एलएम। मतलब गवर्नमेंट 24% जो स्टेक है शेयर रखेगी, विच विल पॉसिबली कम विद वन और टू ब्यूरोक्रेट्स। अब अगर गवर्नमेंट 24% अपना शेयर रखेगी तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि जो दो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो दो नौकरशाह होंगे, जो दो गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, वो नॉमिनेटेड होंगे किसमें, एयरलाइन बोर्ड में, डायरेक्टर बोर्ड में। तो कहीं ना कहीं ऐसा जो बीडर को लगता है कि वो इंटरफेयर करेंगे। इन 2016-17 में द एयरलाइन सफर्ड अ नेट लॉस ऑफ 5,765 करोड़। 2016-17 में जो एयरलाइन थी उसको टोटल 5,765 करोड़ का घाटा हुआ, ओविंग मेनली टू इट्स हाई इंटरेस्ट। मेनली ओविंग मतलब कारण क्या है इसका, हाई इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब इन्होंने जो जो कर्ज लिया हुआ उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। वाइल डेप्थ हैज़ बीन द मेजर रीज़न फॉर ऑल एयर इंडिया लॉसेज इन रिसेंट ईयर, जो कर्ज है वो मेजर रीज़न है, क्योंकि कर्ज का ब्याज बनता रहता है और एयर इंडिया उसी को पूरा करने में लगा रहता है। तो जो कर्ज है, जो डेप्थ है, वो एयर इंडिया के लॉस का मेन कारण है रिसेंट ईयर में। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज, जो इसको ऑपरेट करते हैं उसमें जो अनियमितताएं हैं, मतलब ठीक ढंग से ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, एंड पुअर मैनेजमेंट, और जो ख़राब जो मैनेजमेंट है, हैव बीन बग बियर्स फॉर लॉन्ग। बग बियर्स का मीनिंग होता है डरावना, जो डराता है, मतलब एक लंबे टाइम से एक डरावना, डरावनी चीज़ रही है। द गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू ऑफलोड इट्स रेजिजुअल 24% शेयर एट अ लेटर डेट। अब गवर्नमेंट ने क्या प्लान करा कि जो 24% है ऑफलोड करेगी, वापस हटाएगी कुछ टाइम बाद में। क्यों हटाएगी, पिनिंग इट्स होप ऑन अ बेटर वैल्यूएशन आफ्टर द न्यू ओनर हैज़ फिक्स्ड द एयरलाइंस लेगेसी। जो पिनिंग, जैसे लेडीज साड़ी में पिन लगाते हैं तो अटके रहते हैं, बाल में भी पिन लगाते हैं तो अटके रहते हैं, तो पिनिंग मीन्स यहाँ है कि वो अपनी जो आशा है उसको अटका के रख रही है, पिन करके रख रही है, बेटर वैल्यूएशन के इन फ्यूचर अगर लीगेसी इशू, लीगेसी मीन्स जो पुराने जो इश्यूज है, अगर वो ठीक हो जाए तो बेटर वैल्यूएशन वापस मिल जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट अपने 24% शेयर बाद में हटाएगी।
द रियल बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन विल बी दैट, जो रियल जो बेनिफिट होगा प्राइवेटाइजेशन का वो क्या होगा, एयरलाइन विल नो लॉन्गर ड्रेन टैक्स पेयर फंड्स। एयरलाइन अब ज़्यादा नहीं लेगी जो टैक्स पेयर का जो फंड, तो आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ हैव बीन इन्फ्यूज्ड ओवर द ईयर्स टू कीप इट अप एंड रनिंग, जो हज़ारों करोड़ रुपए काफ़ी सालों से इसमें लग रहे हैं, जो टैक्स पेयर का पैसा है वो इसमें लग रहा है इसको वापस रनिंग करने के लिए, वापस एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए, तो अब ऐसा नहीं होगा। दैट इट्स न्यू ऑनर वुड गेट सम रूम टू रैशनलाइज इट्स लार्ज वर्क फोर्स, जो इसके न्यू ऑनर होंगे वो सम ऐसी जगह कर लेंगे टू रैशनलाइज, रैशनलाइज में जो युक्ति संगत उपयोगी चीज़ें होंगे, उपयोगी कर्मचारी होंगे, इट्स लार्ज वर्क फोर्स, जो इनकी बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, एक साल बाद में ट्रांजेक्शन के, मतलब वो इस तरीके से सेटल कर लेंगे। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ फुटिंग द बिल फॉर सम बेनिफिट्स पेड टू रिटायर्ड एम्प्लॉय, गवर्नमेंट है फुटिंग मीन्स आधार बना रही है, बेस बना रही है, क्या एक बिल लाने का कि जो इसके रिटायर्ड एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट मिले, सच एज कॉम्प्लीमेंट्री एयर टिकट साउंड गुड, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एयर टिकट मिले, अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है, ये साउंड्स गुड का मतलब है। द गवर्नमेंट इज अंडरस्टैंडेबली कीन टू क्लोज द एयर इंडिया सेल ट्रांजेक्शन सून, गवर्नमेंट बहुत जाहिर तौर पे कीन है, मतलब इच्छुक है क्लोज करने के लिए एयर इंडिया की सेल बहुत ही जल्दी, प्रिफरेबली बाय अर्ली 2019 के शुरुआत में, इन ऑर्डर टू बॉल्स्टर BOLSTER, बॉल्स्टर का मीनिंग होता है बल मिलना, सपोर्ट मिलना, इट्स रिफॉर्मिस्ट क्रेडेंशियल, रिफॉर्मिस्ट मीन्स जो सुधारक क्रेडेंशियल में साख, बल देने के लिए मतलब सपोर्ट देने के लिए, जो इसकी जो अभी साख है, जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, क्रेडेंशियल है उसको। बट इन्वेस्टर्स विल लुक फॉर द फाइनल डिटेल्स टू असर्टेन द कैरियर्स ट्रू वर्थ, असर्टेन मीन्स पता लगाना, जो इन्वेस्टर होंगे वो फाइनल डिटेल वो पता लगाएंगे द कैरियर्स ट्रू वर्थ, वो ऐसा देखेंगे कि जो ट्रू वर्थ है, जो रियल कंडीशन है, जो लाइक ही है इस एयर इंडिया की, वो है या नहीं है वो इन्वेस्टर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये आर्टिकल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसी के साथ मैं वीडियो बैकअप करता हूँ, थैंक यू, जय हिंद।